आज हम साहिर लुधियानवी की सबसे आइकॉनिक नज़म पढ़ने जा रहे हैं सो स्टे ऑन दिस एपिसोड डे फाइव ऑफ ट्वेंटी अगले जितने भी दिन बचे हैं मैं हर रोज़ साहिर लुधियानवी की किताब तलखियां में से उनकी एक नज्म एक गज़ल सुनाऊँगी दिस इज़ अ रिगोस्टो सीरीज लीडिंग अप टू माई थिएटर डेब्यू मैं पल दो पल का शायर हूँ प्रीमियरिंग एट पृथ्वी थिएटर ऑन द सेवनटीन ऑफ September टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री जिसकी टिकट्स आपको नीचे बायोविलिंक है वहाँ से भी मिल जाएंगी अगर आप बॉम्बे में रहते हैं ज़रूर आइएगा टिकट्स बॉक्स ऑफिस पर भी मिल जाएंगी लेकिन सोल्ड आउट होने वाला है तो इसलिए आप नीचे से बुक कर सकते हैं सेवनटीन्थ ऑफ सप्टेंबर मिलते हैं आज की नज़म जैसे मैंने बताया था आईकॉनिक नज्म है साहिर लुधियानवी की लिखी हुई नज़म कभी 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 मेरे दिल में ख़याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी अजब न था कि मैं बेगाना ए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता तेरा गुदाज बदन तेरी नीमबाज बाज़ आँखें इन्हीं हसीन फसानों में मैं वो रहता पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फ़ों के सय में छुप के जी लेता मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जस्तजू भी नहीं गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले गुज़र रहा हूँ कुछ अनजाने रह गुजारों से मुहिब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं हयात तो मौत के पुरहौल ख़ारजारों से ना कोई जद है न मंजिल न रोशनी का सुराग भटक रही है ख़लाओं में जिंदगी मेरी इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर मैं जानता हूँ मेरी हम नफस मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ये थी आज की नज़म साहिर लुधियानवी की किताब तलखियाँ में से और इसमें जहाँ तलखियाँ का इस्तेमाल हुआ है उसी से ही आ, इस किताब का जो है टाइटल जो है वो पढ़ा है तो ये थी आज की नज़म मैं आपसे मिलूँगी अब कल एक नई नज़म या एक नई अज़न लेकर होपफुली डो कम फॉर द शो मैं पल दो पल का शायर हूँ टिकट्स नीचे मिल जाएंगी मैं हूँ वृंदा हयातवैद आपसे मिलूँगी कल शुक्रिया